पंजाब कुंजान पंजाब यस बिफोर कुंजान ठीक है नहीं तो ये पर के लगे है एदा एक रेट है कांच दी है भाई आ जड़ी चीज है मतलब एदा मतलब आ गया गड्डी को क्योंकि यार इनकी सेल वगैरह नहीं हुंदी नहीं है ले लो आजकल लेना नहीं है जिनु वैसे पैसे दे दे यार वीडियो बनवा दे टोगो का वीजा ला भी दिता इन्होंने इतने बॉर्डर के उत्ते खड़े हुए हैं ये पतंदर लाड़ी पे भाई पता नहीं क्यों वो गड्डी चो नहीं उतर रहा ओदी वो लड़ी जांदा समझ तो बाहर हो गई कहानी भाई चक्कर च ना सड़ते हुए कि भैड़ा पतंदर इतने आ देखो पेट्रोल दा केनिया पर के रख दे पेट्रोल पंप है पर ऐसा मेन रोड दे उत्ते है नहीं गे जे किसी ने पवाना पेट्रोल इतो पवा सकते हो किनिया लदिया हुई इस भर के भी लैके जाते हो वैसे खाली इस टाइम बहुत सारिया मशीन तो कीप दियाँ रखिया हुई मशीन कढ़ दे कीप नाल भर के पा देंगे जिन्ने का थोड़ा चाहिए उन्ने का रुकी सी गड्डी मैं चलो थोड़ा उतर लीए इतने पवा रहा भाई तेल तेल पवाऊगा इतने क्योंकि इतने भी पेट्रोल पंप ऐसा बहुत थावान से मौजूद नहीं है पर हाँ भाई ठीक ठाक थान से है सो मतलब ठीक ठाक मेन थावान है इदा पिंडा के नहीं तो उत्तर इदा ही केनिया भर भर के रखते हैं जिन्हें पैसे का पाना इन्हों फ्रैंक दो वैसट अफ्रीकन फ्रैंक सीफा दो तेल थोड़ी गड्डी के पा देने भाई बाइक च पवाना है तो इतों ही पवा के लैके जाऊगा ये हम सा बंदा इतने पवाऊगा खोल ली उन्हें टैंकी रेट पता नहीं की लाऊगा इतने मतलब रेट थोड़ा जहा तो ज्यादा लाने ही हो गए यार उदो कि भर रहे बी सीधा ही उदो कि पा दें उ सरा काम है भाई इन्होंने देते हैं दे लो ऐदा सरवाइव कर रहे अपनी जिंदगी पेट्रोल ज्यादा वधिया नहीं होना शुद्ध नहीं होना इन्हें कीप दे उत्ते आ कपड़ा लाया ये कपड़े दे विच पाउणगे इहदे विच दी पुण के जाऊगा तेल मतलब बहुत बरीक कपड़ा इन्ना भी बरीक नहीं है पर ठीक ठाक बरीक आदा असी ना दिखा लैके अच्छा आ लैके आया वड्डी केनी तो यह भर के लैके आया इहदा एक रेट है कंच दी है भाई आ जिहड़ी चीज़ है बात है भाई हाँ पेट्रोल ही है बदबू क्या खुशबू आ रही है पेट्रोल की तो खुशबू आती है भाई 8000 दा है हाउ मेनी 20 लीटर भाई 20 लीटर दा जा रहा 8000 मतलब ये कितने हो गए 12 डॉलर हो गए मतलब इंडिया तो सस्ता ही होया है लगभग इदा ला लो 70 रुपए लीटर तेल हो गया 60 रुपए लीटर गड्डी नंगी थी मैं देखा बड़ी मतलब भर के लैके जा रहे थी हूं लगे कि मैं हैरान हो गया मैं हैरान है मैं ये देख के हैरान सी भर के किस चीज की लैके जा रहे हैं मिट्टी लगी कैमरे ते ला गई जी लैके आई सी ना वो कह रहे लै लो मूह च पा रही थी यार इन्हें गंदे केकड़े जे पता नहीं की सी प्रॉन सी कहते खा लै लो कहते इन्ने सस्ते दे दूंगी पता नहीं आपकी पास फ्रेंच बोल रही थी कुछ मैं नहीं मैं लैने मैं मुंह पासे की तो फिर भी मैंने कहे मेरे मां मुंह करके लै ला इन्हों बाकी भी कह रहे थे पर इन्हों तो अजीब लग रहा मैं तै ला रहे मेरे मुंह च ही पा रही है रुक लिया इत कुछ खान पीन लाई पूरी भीड़ लग गई बेचन लाई पूरी भीड़ लग गई इत मतलब ऐदा मतलब आ गया गड्डी को यार इन्हें सेल वगैरह इन होंगी नहीं है जिदा ही भाई ने गड्डी रोकी तो सारे लोग आपका कुछ ना कुछ समान खान पीन आला बेचन लाई आ गए कि हाँ भाई साढ़े तो लै लो अरे यार हूं मैं तो कुछ लै नहीं सकता बी क्योंकि मैं खा ही नहीं सकता भाई ने पानी दी थैलियां लै लिया ऐदा दी पानी दी थैलियां बहुत सारिया चल दया चल भाई इन्हें 100 दिता उन्हें मतलब 12 रुपए की पानी की एक थैली है
बॉर्डर बिल्डिंग टोगो का वीजा ला भी दिता इन्होंने इतने बॉर्डर खड़े हुए परले पासे टोगो आ पहले इतो एंट्री करवा ली स्टैंप लवा ली इमीग्रेशन की फिर गल बात करा वीजा ऑन अराइवल ही लग गया पच्ची हजार सीफा हो जाते लगभग $37 इंडियन रुपीज कन्वर्ट कर लो एस दा रेट 82 रुपये चल रहा 37-82 नाल गुणा कर लो सिम वाला बाई भी आ गया $4 की सिम दी है लगभग 2500-2500 सीफा ले एक सिम दे टैक्सी वाला पता नहीं क्यों बाई ए लड़ पाया पहला वेच ही वाले कहना भाई मेरे को टाइम है नहीं तू वेच बैठ के दे बाहर जाके उतर जो नहीं देते सिम हो तू दे देगा सिम सुम उन्हें देती उन्हें टैक्सी बैक लाने लगे मैं लगता इतों भी सवार चकनी है भाई अच्छा इन ता काली सी सवार चकन की इतो एक घंटे का रास्ता अच्छा जे कोई गाना जा रहा इतो तो भाई गाना दे नोट गाना दे लई करदे ए पतंदर लाड़े पे भाई पता नहीं क्यों वो गड्डी चो नहीं उतर रहा लड़ी जाता समझ तो बहर हो गई कहानी की चक्कर पै गया चल भाई चल यार लेट हो गया पहले ही बड़ा सो भाई लड़ाई क्यों हुई थी मैं तुम्हें दस दी उन्हें पानी लिया हजार का नोट फड़ाया छोटे बच्चे ईमानदारी देखो वो कहना गड्डी रोक के रख मैं चेंज लैके आना ईमानदारी यार बंद बच्चे की ईमानदारी देखो तुम भाई ये बंदे ने साढ़े ले लड़ पाया कहना भाई जो 2000 की सिम तू 2500 की किवें दी चल असि कुछ फिर अस क्या नहीं यार सानू नहीं चाहिए भाई नहीं चाहिए तू चल पर कहना नहीं मैं तुम दवा के छू पैसे असि क्या भाई सानू नहीं चाहिए उन्हें 2500 की सिम 2000 की सिम सानू 2500 देती सब कोई चक्कर नहीं ये कहता बई नहीं तू नाल दा जिहड़ा बंदा बैठा लोकल बंदे तो 2000 ले लिया इन्हों तो 2500 किवें ले लिया तू जब रेट ही 2000 आ असि क्या भाई सानू नहीं चाहिए तू चल असि उन्होंने भी समझाया बई ना ये लड़ पाया उन्हों सिर पड़न तक तैयार होता कहता ना मेरी गड्डी च बैठ के तू कहता मेरे बंदे नू लुट किवें लिया तो फिर बई इन्हों समझाया समझूया असी फिर हुण आए हैं तो हुण जा रहे हैं लोमे टोगो दे विच एंटर कर चुके हैं तो इत्थों जा रहे हैं टोगो की कैपिटल लोमे टोगो एंटर कर चुके हैं ते टोगो दे बॉर्डर ते कोई रिश्वत नहीं मंगी गई ना ही बैनिन वाले पैसे मंगे बैनिन तो भाई बड़ा ही ज्यादा सही कंट्री है टूरिस्ट तो बिल्कुल पैसे नहीं मंगते नाइजीरिया हर था मंगे सी बैनिन च बिल्कुल नहीं मंगे ना एग्जिट से ना एंट्री से टोगो वाला ने वैसे मजाक च कहा 25-25000 फीस की मजाक च उन्हें कहा जो मैं पेन मंगया कहना 3000 लगनगे मैं कहा ओके ओके पेन देता मैं वापस उन्हें मंगे नहीं कोई डिमांड भी नहीं की भाई इन्होंने नॉर्मली एंट्री कर दी बड़ी इज्जत करते हैं बई भारतीय लोगों की बहुत इज्जत है इन्होंने देशों के क्योंकि पुराने टाइम के बहुत सारे भारतीय लोग इतने आए थे इन्होंने पुराने वड़ वडेरिया पढ़ाते रहे टीचर रहे करके काफ़ी ज़्यादा इज्जत है इन्ह सारे देशों वैसट अफ्रीका पर इस टाइम टूरिस्ट नाम की इतने कोई चीज़ नहीं आ लोगों को पता ही नहीं कि टूरिस्ट होंदा की आ क्योंकि यार तुसी ना नॉर्मली मैं भी जो क्या मैं अफ्रीका जा रहा लोग समझ लो कीनिया जा रहा होगा या साउथ अफ्रीका जा रहा होगा पर वह देश अलग है भाई वह बड़े सेफ देश है बड़े ही सही देश है पर यह देश ना तो सेफ है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं टूरिस्ट की होंगे चंगे तो चंगे लोग पाए हैं पर जब पता ही नहीं वो डर जाते हैं कई डर डर के मारे ही थोड़े ते हमला कर सकते हैं इदा दी मतलब सिचुएशन है इन्होंने देशों के है बई बहुत सारिया तो तुम सुने भी नहीं होने इन्हों के ना भी देशों के टोगो से तुम मेरे मूँह पहली बार सुन रहे होंगे ना बड़े लोगों को पता भी होगा खेर इदा की गल नहीं पर बड़ों नहीं भी पता होगा तो इन देशों के टूरिस्ट आना नहीं ता करके मैं सुनी मैं अफ्रीका एंट्री की तो सब तो खतरनाक कंट्री के नाइजीरिया एंट्री की अफ्रीका का सब तो खतरनाक रूट फड़िया विजिट करने लिए देखने लिए कि किदा इन्हों के लोगों की जिंदगी है सो आने वाले कुछ दिनों तक आप टोगो के लोगों की जिंदगी देखा कि फिलहाल वधिया लग रहा इदा राह दे विच वेचण वाले आउंदे रहिंदे जिवें आ भाई आया केकड़े वेच रहा तो प्रॉन्स वेचदे आ पता नहीं की कुछ वेचते रहेंगे जिते भी गड्डी रुकती है वह आ जाते हैं
बाथरूम कर लिया उतरिया इतना लोग बाई बाथरूम सड़क ते कर देंदे आ ते ओ थोड़ा दूर चला गया ते हुण कह रहा बाई दूर क्यों गया कहिंदा इत्थे कर लैंदा बंदा फिर भी थोड़ा कोने मोने में हो जाते हैं थोड़ा छुप जाते हैं कैपिटल लोमे दे विच पहुंच गए हैं। पर यार ये थोड़ी ज्यादा डेवलप लग रही है मैंने थोड़ी जी ऐसा ना जो तो समझ सकते हो आसे पासे रिफाइनरी देख रही हैं बड़िया बड़िया फैक्ट्री देख रही हैं ज्यादा देख रही हैं कुतनों के भी ठीक ठाक सी खैर नाइजीरिया तो है कुछ लग रही है मतलब ठीक ठाक डेवलपमेंट हो रही है इन देशों के रोड तो बई एकदम एक नंबर की मिल पर वही है यार इतने रिस्क उदा बड़ा ज्यादा रहा बी टूरिस्ट लिए क्योंकि टूरिस्ट बारे इन्हों पता ही नहीं दोबारा तो कह रहे हैं ईस्ट अफ्रीका बिल्कुल कंपेयर ना करो क्योंकि ईस्ट अफ्रीका बड़े भारतीय लोग रेंदे खैर इतने भी ने पर इतने बहुत लिमिटेड तो बड़ी सेफ तरीके रेंगे ने नाइजीरिया तो बड़ा ही डेंजर बी तो जे कोई इस वहम के ईस्ट अफ्रीका कंपेयर करे तो बई आपका वहम कढ़ सकता वह नाइजीरिया आके रात दिन घूम सकता सो हो सकता शायद वो आपका वहम कढ़ाने तो बाद बंदा दुनिया नूं दसण जोगा बचे ही ना जां होवे ही ना सच्ची गल आ भाई इदां नूं झूठ ना समझ लो इन्हां गल्लां नूं कितें कोई कई कई लोगों को इदां लगता हुंदा कि व्यू लई कोई इदां दी गल नहीं आ तुहाडे कोल नैट आ तुहाडे कोल इंटरनैट आ तुसीं चैक कर लो इत्थों दीआं की खबरां ने और की इत्थे चल रहा जे फिर भी यकीन ना आए भाई फ्लाइट फड़ो फ्लाइट मैं तुहानूं दस दिंदा कीनियर की भी आँदी है लागोस अबूजा भी आँदी है बॉम्बे तो चलती है डायरैक्ट बॉम्बे तो कीनिया कीनिया तो उत्थे सीधी ठीक है जी $450 का वीज़ा लैके आ जाओ कोई तुहानूं रोकूगा कोई टोकूगा नहीं ठीक है जी सीधा आ जाओ रवांड एयर भी आँदी है कतर एयर भी आँदी है एमीरेट्स भी आँदी है इतिहाद आँदी सी हुण नहीं आँदी कुछ टाइम लई स्टॉप है कि पता दोबारा चल जाए तो बहुत सारिया फ्लाइटा आँदियाँ बैनिन तक भी आँदियाँ बैनिन खैर मैं तुहानूं पहले ही दस चुकिया कि उहदे नालों सेफ है ये भी उहदे नालों ठीक होगा नाइजीरिया नालों पर रिस्क लैवल इतने भी बई चार ही दसा जाता तो बाकी भाई जे किसी ने वहम कढ़ना वो आपका आ सकता मैं दसदा क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता जो ना मेरे तो दिखती जाती है भाई मैं तो भाई जो सच्ची गल हैगी जो सच्चे सच्चे रिव्यू आ उ दूंगा थोनू तो जे आने बई तो इदा ही आपकी सेफ्टी वरत के फिर ही बई घूमो नहीं तो एवं नुकसान हो जूगा कई बार बंदा गलू हल्के दे विच लै जांदा हुंदा पर इन्ना हल्के दे विच लियो ना इन्ना गल क्योंकि भाई इदा नहीं है कि जिवें हुण एशिया एशिया दे विच बहुत सारे देश है इंडिया चाइना पता नहीं किन्ने देश आ होर भी छोटे मोटे देश कई आ वियतनाम तो लैके थाईलैंड सारे आ सारिया का अलग अलग माहौल आ सारे अलग अलग आ पाकिस्तान भी एशिया च अफगानिस्तान सीरिया सारे एशिया दे विच आ तुसीं सारे नूं इक इक जिन्ना सेफ मन सकदे हो नहीं ना एशिया के देशों के किन्ना फर्क आ थाईलैंड तो लैके तुसीं सीरिया तक सारे नूं इक बराबर मनोगे किन्ना फर्क आ सो भाई उवें ही है ईस्ट अफ्रीका के वैसट अफ्रीका जमीन आसमान का वर्ग अफ्रीका इदा ना समझ 54 देश अफ्रीका दे मतलब इन्ने घट देश नहीं होंगे 54 समझ सकते पूरी दुनिया के 200 देश आ 200 तो भी घट आ देश तो लगभग तुम ला लो पूरी दुनिया के 30% देश इतने ही है इस कॉन्टीनेंट के उत्ते हैं एको बराबर नहीं समझ सकते सो मेरी दोबारा तो बेनती है भाई एवं कोई कमेंट करके रहम ना पाओ लोगों के असं कीनिया रहने जी इतने रहने तंजानिया रहने बहुत वधिया गल रहने पर यह ना लिखो कि भाई असं रहने बड़ा सेफ है तो यह भी कितने सेफ होगा पर नहीं वैसट अफ्रीका बिल्कुल नहीं है इदा का आओ तो आपकी पूरी सेफ्टी के नाल ही थोड़े इतने घूमना पैना शहर के मैं बाइक टैक्सी वगैरह नहीं दिस रही क्योंकि इतने कोई भी पीली टी शर्ट वाला मैं मोटरसाइकिल से बंदा दिखा नहीं है बई लैके जा रहा है इतों के सब तो बेस्ट होटल आ जो उहदा कहिंदा मैं उत्थे लैके चल रहा लगे भी टूरिस्ट का बई उत्थे रुकणगे पर नहीं वो बहुत महंगा यार इन्ना महंगा नहीं ठीक ठाक असीं जिहड़ा एक देखिया गूगल booking.com ते उत्थे रुकांगे लो बई इत्थे ला के चला गया बई इतों साडा होटल है 1.5 किलोमीटर इतों बाइक टैक्सी वगैरह लैके जाने हैं तो 8000 च गल हुई सी
ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ 10,000 ਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਈ ਬੈਗ ਆਈ ਬੈਗ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਸੀ ਆ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ ਆ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰੂੰਗਾ ਬਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਐਮ ਜੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਏ ਪੋਰਟ ਉਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਸਨ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਓਕੇ ਓ ਚਲੋ ਬਾਈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆ ਹੋਟਲ ਆਇਆ ਹੋਟਲ ਐਮਬੈਸਡਰ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ ਬਾਈ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋਟਲ ਐਮਬੈਸਡਰ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੋਨੇ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਤਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਨਾਈਸ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ ਲਓ ਬਾਈ ਹੋਟਲ ਚੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਰੇਟ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਬਾਈ ਗੁੱਡੀ ਰੂਮ ਤੇ ਰੂਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਦੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਬਾਈ ਆਹ ਰੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆ ਟੀ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਰੂਮ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਸਭ ਕੇ ਬੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ ਪੇਮੈਂਟ 32,000 ਚ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ ਔਰ ਚਾਬੀ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਆਇਆ ਨਾਈਸ ਕੀ 102 ਨੰਬਰ ਰੂਮ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਇਹ ਲੋ ਚਾਬੀ ਚਾਬੀ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਸਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਇਹ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਚਮਕੀਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚਮਕੀਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓ ਯੂ ਫਿਲ ਇਹ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਸੋ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਰੂਮ ਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੂਮ ਆ $48 ਪੇ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਫਰੀਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਲੰਮਾ ਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੀ ਪਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ 1.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਅਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੁਛ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੋਟਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਰੋਡ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਨ ਆ ਕਿ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਡਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਬੈਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਤਲਬ ਕੱਚਾ ਹੀ ਆ ਹਲੇ ਕੰਮ ਆ ਗਏ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਬਾਈਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਈਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ 1.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 200-400 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਕ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲਗਭਗ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ 100 ਮਤਲਬ 12 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਈ 1 ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 5.5 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 4.5 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ 2 ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 5.5 ਘੰਟੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਨਾ ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਖੈਰ 1-2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਟੋਗੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਦਾਂ ਲੰਬੀ ਜੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਬੈਨਿਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੰਬੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਅਤੇ ਪਰ ਬੈਨਿਨ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ ਆ ਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਈ ਕੱਚੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਮੇਨ ਇੱਕ ਗਲੀ ਆ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਗਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪਰ ਹਾਂ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਪ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੋਕਲ ਫੂਡ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਟਲ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੋਨ ਵੈਜ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਬਈ
लोकल फूड भाई मैं तो नहीं खा सकता, पर हाँ यह है कि लोकल फूड थोड़ा सस्ता बहुत पेगा जेकर तुम खा सकते हो। लोकल भाई इन्होंने जल फ्राइज वगैरह आते हैं, जल फ्राइज वैजीटेरियन टाइप ही होंगे, पर भाई मैं पता नहीं क्यों थोड़ी उस भी स्मैल वगैरह जी आती रही है, करके मैं फिर खाता ही नहीं हाँ, मैं फिर वैजीटेरियन इंडियन रेस्टोरेंट ही लभ लेना। पंजाब 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 बिफोर कुंजान दिल्ली दिल्ली पंजाब ओके या कुंजाम पंजाब 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 हाँ ओके आई विल कम डाउन टू ओके ओके आई एम गोइंग टू फॉलो डाउन ओके ओके और ये भी बाइक लेके आ गया बंदा और वन बाइक ओनली वन वन या ओके ओ हाँ ओके प्रॉब्लम ओके एबो अबे रिकॉप कोई लेके जा ओके थैंक यू नो प्रॉब्लम चलो भाई चलिए मी पे आज तो देखो है गलियां का पानी पुनी इदा ही खड़ जांदा इथे देखो कदे कदे कट होए यार चिकड़ च ना सिड़ते हुए कितने भैड़ा पतंदर कबा सुभा भाई का सुधा ही पानी वेजी लैके बच गया भाई बच गया यार इन्होंने एक्सपीरियंस बहुत इन्ना तेज भजाते फिर भी ना थोड़ी थां विच नहीं कढ लैंदे आ। इत्थे भाई बार बूर का काफी डांडा पिछे एक बड़ा म्यूजिक म्यूजिक ला रखा सी ते आ गया इंडियन रेस्टोरेंट इदा गेट है सड़क कच्ची है बिलकुल अंदर तो ए अंदर जबरदस्त काम बनाया हुआ है भाई थैंक यू रेट ओदा दे कुछ मतलब 4000 फ्रैंक का आ सारिया चीजा जिम्मे भी दाल सब्जी तुम ला लो जड़ी मर्जी ला लो 4000 फ्रैंक की आ कोई 5000 की होगी बिच है ना चिकन वाली 5500 फ्रैंक इदा दियाँ कुछ तो अभी तो दोपहर ही खा के आए थे बहुत ही भुख तो नहीं पर मैं फिलहाल एक बार पनीर चिली ऑर्डर किया देख लिया कि फिर एक अद्धी चीज़ होर ऑर्डर करा जो 3500 का लो 4000 3000 4000 ये लगभग इंडिया का 450 रुपया हो जाता 4000 फ्रैंक नहीं 500 ही हो जाता लगभग लगभग बाकी आ बदम मिल्क वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ये सारा कुछ स्टार तो बने हो भी मौसम के हिसाब न अवेलेबल हो सारिया भाई चिल्ली पनीर देखने तो काफ़ी वधिया लग रहा और इन्होंने नाल सैलड वगैरह भी दिता भाई ये हमेशा देंदे ही देंगे इतने वाईफाई कनैक्ट नहीं हो रहा जी वो कनैक्ट करवा गई है वाईफाई चीज़ मैं देखी तो जिते मर्जी रेस्टोरेंट जाए जाओ रिस्पैक्ट कस्टमर की पूरी करते हैं इदा नहीं मतलब गल इग्नोर नहीं मारते अपने की फिर कर देंगे उत्तर सर इंडियन रेस्टोरेंट तो आ गए बाहर तो हूँ इतों बाइक टैक्सी करके जावे घरें चंगा जी इस वीडियो ने इतने खत्म कर दें तो दोबारा तो स्वागत कर दें थोड़ा टोगो दे विच लोमे दे विच चंगा जी सत श्री अकाल रब राखा मिलते हैं अगली वीडियो दे विच।